हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन का जो हमारे पास आइडियली है उसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पाइथन का आइडियली ओपन हो गया है। यहां से फाइल पर जाकर के न्यू फाइल चूज कर लेता हूं और यहां पर हमें वो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से। तो ए इज इक्वल टू इंट और फिर क्या स्क्रीन पे दिखाई देगा वो इनपुट फंक्शन की मदद से यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। डबल एटेड कोट्स में लिखता हूं एंटर नंबर। अब कोई भी नंबर आपको एंटर करना है जो कि पॉजिटिव नंबर हो, ये बात ध्यान रखनी है। आप नेगेटिव नंबर या डेसिमल नंबर नहीं एंटर कर सकते। अब यहां पर एक वेरिएबल और बना लेता हूं फैक्ट नाम से और फैक्ट में स्टोर करा लेता हूं वन, ठीक है। अब यहां पर कोई भी लूप आप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा ले, वाइल लूप लगा ले, कोई भी लूप लगा ले। यहां पर मैं लगा लेता हूं वाइल लूप। तो यहां वाइल लूप लगाया हमने और वाइल में हमने क्या किया है कि जो हमने वेरिएबल बनाया है ए नाम से उसे ले लिया और यहां पर ए इज लेस देन जीरो, ओके, ये हमने दे दिया, ठीक है। और यहां पर लगा दिया कोलन, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहां पर फैक्ट जो हमने वेरिएबल बनाया है उसे ले लिया इज इक्वल टू फैक्ट इनटू ए। चूंकि हमने ए लिया है तो ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर चूंकि हमने जो वेरिएबल लिया है वो ए लिया है तो ए इज इक्वल टू ए माइनस यहां पर कर देंगे वन, ठीक है। इतना लिख देना है आपको, एंटर प्रेस करना है और इसी को प्रिंट करवा देना, बस आपका काम हो गया है। यहां पे प्रिंट लिखिए और यहां पे प्रिंट करवा दीजिए द फैक्टोरियल इज, ये लिख दिया हमने, कॉमा दिया और यहां पर जो हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया है उसे यहां पे देता हूं, ठीक है। इतना ही आपको बस करना है और यहां से आपको फाइल पे जाके और यहां से सेव पे क्लिक कर देना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है वो है इंटेंडेशन का, तो अभी बताता हूं आपको। पहले इसको सेव कर ले, तो डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं और फैक्टोरियल के नाम से सेव कर रहा हूं। तो यहां हमने लिखा फैक्टोरियल डॉट py लगाना मत भूलिएगा, एंटर प्रेस कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब ये इंटेंडेशन क्या होता है, देखिए ये जो वाइल लिखा है हमने, देखिए ये कहां पे लिखा हमने, एकदम ये देख रहे हैं, ये एकदम लेफ्ट में लिखा है हमने। अब इसके इंटेंडेशन के हिसाब से ये जो फैक्ट लिखा है हमने, ठीक है, ये बिल्कुल सही जगह है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंट लिखा हमने, ये प्रिंट को हमको इधर लेके आना होगा। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको वापिस से सेव कर देता हूं, अब इसको रन करवाता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये हमने रन करवाया तो यहां पर आ रहा है एंटर नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 3 का फैक्टोरियल देखना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया हमने तो 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, क्योंकि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और 1 में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही तो होगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं, यहां से रन करवाते हैं तो क्या होगा, ये रन करवाया हमने, 5 का फैक्टोरियल आपको मालूम है 120 होता है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां 120 आएगा। 20 होता है 6 का फैक्टोरियल, तो यहां से एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन कराया और 6 का फैक्टोरियल देख लेते हैं, तो यहां से देखिए 720 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब